इसका मतलब है कि अगले हफ्ते निकाह है और पीर को रुखसती। वही वाह, रजी तो बहुत खुश होगा। तुम्हें तो मालूम ही है बचपन से शादी का कितना शौक है। अरे हमारी अम्मा, शौक तो हमें भी बहुत है बचपन से। वैसे आला के सर पे आपका टेंशन का सीजन तो शुरू हो गया होगा, है ना? जाहिर बात है, मैं अकेली जाऊँ और शादी में आके तुम्हें पता है कितने काम होते। सबके जाऊँ, अब मैं आ गया ना, सब कहेंगे शॉपिंग पे ले जाऊंगा। यार बरी बनाना कोई आसान काम नहीं होता, अगर समाहिर होती तो। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये अल्लाह खैर करे दुश्मनों की तबीयत नासाज लग रही। दुश्मन? तुम्हारी किससे दुश्मनी हो गई? तुम्हारे अब्बा और कौन। जब से मैं आया हूँ ना कोई ताना ना बुराई ना कोई ऐसी वैसी बात। अम्मा ताना खास था, कहीं अब्बा सुधर तो नहीं गए? बिगड़े हुए कब थे जो सुधरेंगे, तुम ही बिगड़े हो, पता नहीं कब सुधरोगे। इंशाल्लाह कभी नहीं। तुम्हारी इन्हीं बातों पर उन्हें एतराज होता है, क्या इलाज करें तुम्हारा? वैसे एक गल है मेरे पास और वो ये है कि आप अब्बा से कहिए कि मुझे आग करते हैं। क्या? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैं सच कह रहा हूँ। आप अब्बा से कहिए कि मुझे आग करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हूँ, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मुझे आग कर देंगे तो कम अज कम सुकून से मर तो सकेंगे। अच्छा तो मेरे मरने की दुआएं मांगी जा रही है? नहीं बाजी, मेरे मरने से तुम्हें खुशी होगी, आजादी जो मिल जाएगी। नहीं बाप, मेरा ये मतलब तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मतलब तो तुम्हें मैं समझाता हूँ नालायक ना अनजान। नहीं नहीं अब्बा, गलत समझ रहे हैं। अब लौट के घर मत आना, टांगे तोड़ दूंगा। आज इसकी टांगे मैं तोड़ ही दूं। हाँ शिफान, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वो भाभी, आज मेरी पहली क्लास ऑफ है, इसलिए मैं कॉलेज जरा लेट जाऊंगी। देर से जाना था तो इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गई? आधा घंटा ही लेट है, और फिर जब मैं रेडी हो चुकी थी तब समर की कॉल आ गई थी। उमेर भाई कहाँ है? उनका ऑफिस से फोन आया था, वही सुनने बाहर गए। भाभी आज उमेर भाई का नाश्ता मैं बना दूं? हाँ बना दो, लेकिन भाभी प्लीज बनाने देना, उनका फेवरेट ऑमलेट बनाऊंगी, शायद उनकी नाराजगी दूर हो जाए। देखो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहीं उमेर नाराज ना हो जाए। तुमको पता थोड़ी चलेगा, अब बोल देगा कि आपने बनाया, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं कहूंगी और वो फौरन मान लेंगे। तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे हाथ के जायके को अच्छी तरह पहचानते हैं। सालन मैं बनाऊं और नमक तुम डाल दो ना, तभी भी उनको फौरन पता चल जाता है कि मैंने बनाया। समय मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना। भाभी आप कपड़े निकाल दें, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है भाई, मैं बना देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, स्माइल बना देगी। बस भी कर दो, वो बेचारी तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें क्या लगता है कि शिफा को इस तरह उदास देखना मुझे अच्छा लग रहा? मुझे भी उतनी तकलीफ हो रही है जितनी खुद उसको, लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारी का यही इलाज है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि बड़ों की बात ना मानकर उसने गलत किया। अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या नाश्ता बनाएंगी? बना रही हूँ, तुम इसको देखो। आदिया, हेलो आदिया। शिफा तुम्हारा दुपट्टा हटो, पीछे हटो। भाभी तुम ठीक तो हो? भाभी शिफा देखकर काम करते हैं। बहुत साल पहले उन लोगों का घर हमारे घर के साथ ही था,
फिर वशमा पापा की शादी अमेरिका में हुई तो कुछ अरसे बाद ये सारी फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई। लेकिन इस बार तकरीबन 4 साल बाद दोनों बहन भाई पाकिस्तान आ रहे हैं तो अम्मा बहुत एक्साइटेड हैं। इन्हें अपने दोस्त के बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और अब वो चाहती हैं कि हम बहन भाई उन दोनों को जब तक वो पाकिस्तान में रहें फुल टाइम दें। और ये रोहिल तो मेरा एज फेलो भी है, अच्छी दोस्ती हुआ करती थी मेरी इससे। वैसे भी मैं अब रोहिल को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता, अपने आप को पता नहीं प्रिंस चार्ल समझता है। वैसे वशमा, मैं दूर से ही देखते पहचान लिया था कि यही से मिला, इतनी बुरी ड्रेसिंग यही कर सकता है। But I'm very happy to see him. पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। Thank you. इतनी outdated check sheet. Seriously? Come on, क्या हो गया है? इतनी अच्छी ड्रेसिंग तो की है। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी शर्ट्स हैं ना, तो एक आध को इसे गिफ्ट कर देना। पाकिस्तान में वैसे फैशन का लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ क्यों नहीं? एक नहीं बल्कि दो लेना। प्लीज। कुछ खास बदला नहीं है यहाँ पे, टूटी फूटी सड़कें, वही गुरबत, तो वैसे ही का वैसे ही बकवास। इसीलिए मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता। अच्छा तुम पाकिस्तान ना आते तो मैं तुम्हें उस डॉली के हवाले कर देती जिसका ना कोई मजहब है ना कोई खानदान। वैसे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ इंसान अपनी मर्जी से बिल्कुल ठाट से लाइफ गुजारता है। दो बातें अच्छी हैं, सूटी काफी है यहाँ। समीर एक मिनट प्लीज, गाड़ी रोकना यार। क्यों? क्या वो लड़की है वहां पे? एक मिनट के तो रोको। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, सीधा गाड़ी चलाओ। हो भाई ये यूएसए नहीं है कि कोई भी राह चलती हुई लड़की तुम्हें अपना नंबर दे देगी। गाड़ी रोको। अब तुम्हें दुपट्टा उड़ के किचन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किचन में जाने की जरूरत ही नहीं। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखे तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तो शुक्र है मैं वक्त पर आ गई, वरना जिस तरह तुम्हारे दुपट्टे पे आग लग रही थी ना, खुदा ना खासा तुम्हारा बाजू भी झुलस जाता। बस अल्लाह ने बचा लिया। तो मैं तुम फिक्र मत करो, अब मैं इसे किचन में जाने भी नहीं दूंगी। जरा हदिया को देख कर आती। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझसे इस तरह नाराज मत रहें। मैं नाराज नहीं हूं मेरे बच्चे। I'm the careful one. अजी ये मेरी सैलरी, वो नौकरी मिल गई थी मुझे, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि अपनी पहली सैलरी आपके हाथ में रख के आपको सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। घर की औरत बावर्ची खाने में और मर्द बाहर कमाता हुआ अच्छा लगता है। सीबा जी बिस्मिल्लाह। जासिम ने तो सरप्राइज ही कर दिया। सच में कहां एक रुपया नहीं दे रहा था और कहां इतनी बड़ी अमाउंट का चेक एक साथ दे दिया। व्हाट अबाउट योर डैड? वो खुश है? बहुत खुश है। ग्रेट। अच्छा मेरे डैड से कब मिलोगे? मैं उनसे क्यों मिलूंगा? यू नो था कि मेरे डैड को एक्टिंग का बहुत शौक था। वो कहते हैं उन्होंने अपने टाइम में एक बहुत बड़ा ऑडिशन भी दिया था, लेकिन फिर कोई भी फिल्म डायरेक्टर उनकी बुरी एक्टिंग की वजह से उन्हें ले नहीं रहा था, इसलिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक ग्रेट एक्टर मिलने से रह गया। और मैं चाहती हूँ फ्यूचर का एक ग्रेट एक्टर मेरे डैड से जरूर मिले, वो खुश होंगे। Oh, really? Are you sure कि सिर्फ यही बात है? नहीं, एक special reason भी है। Special reason?
तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे प्रपोज कर रही हैं, राइट? नॉट एट ऑल। लड़कियां प्रपोज करते हुए अच्छी नहीं लगती। प्रपोज तो तुम ही करोगे। खाना बनाना आता? खाना बनाना तो नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता? सैड, लेकिन मुझे तो खाना खाने का बहुत शौक है। भाई खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा। I'm sorry। तो कोई इतना मसला नहीं है, बनाना सीख लूंगी। सोच लो मैडम, मैं अपने खाने के मामले में बहुत टची और सिलेक्टिव हूँ। मेरे साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा मैडम। हाँ तो ये मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं। जिंदगी आसान होगी या नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन खाना बनाना सीख लूंगी। गुड। हाउ इज योर फूड? ऑसम। हुआ क्या सर? मुझे कुछ नहीं हुआ खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर भाई तो ऐसे ही डर गए थे। डरना तो था, तुम उसकी लाडली बहन हो, उसकी जान तुम्ही में अटकी रहती है। ठीक कह रही हैं आप खाला, जैसे जिनकी जान तोते में बंद होती है ना, उसी तरह उमर की जान शिफा में बंद है। उन्हें तो रात भर यही सोचकर नींद नहीं आई कि खुदा ना खास्ता मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। आपने उमर भाई को जिन कहा? तो मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ खाला। मैंने नया डिनर सेट लिया है, आए आपको दिखाती हूँ। चलो देखते हैं। ठीक है। शिफा, तुम्हें पता है क्या, मेरी मंगनी हो रही है। क्या कह रही हो? शिफा मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी दुआएं कबूल हो गई। अच्छा इतना भी खुश मत हो। क्यों ना खुश हो, ये खुशी की तो बात है। तुम्हें पता है बचपन से मैं इस दिन का ख्वाब देखा करती थी, इतने वजीफे किए मैंने। कितनी तेज हो समर, मतलब रिश्ता भी हो गया, दुआएं कबूल होने वाली हैं तुम्हारी, और तुमने मुझे पता नहीं लगने दिया। ये लो, मुझे खुद आज पता चला तो मैं तुम्हें कैसे बताती। आज पता चला क्यों? अम्मी का तो तुम्हें पता है ना, उन्होंने बाबा को मना किया था कि मुझे ना बताए, लेकिन आज बाबा ने चुपके से मुझे बता दिया, और ये भी कहा है कि वो उसकी मुझे पिक्चर भी दिखाएंगे। लेकिन खाला ये बात क्यों छुपाएंगी? इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि इस बात पे मैं फड्डा करूंगी, ये कहूंगी कि मुझे अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मंगनी मंगनी नहीं करनी। मेरी भोली अम्मी, लेकिन उनको क्या पता कि मैं इतना खुश हूँ कि मैंने शुक्राने की नफिल भी अदा की है। तुम तो खुशी से पागल ही हो गई हो। अच्छा ये बताओ, लड़का कौन है, क्या करता है? बाबा के दोस्त का बेटा है, उसका नाम समीर है। बाबा की पसंद है तो अच्छी ही होगी, बाबा मेरे लिए कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। खैर ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने दुपट्टे में आग कैसे लगाई? मैं पागल हूँ कि मैं खुद आग लगाऊंगी? वो तो बेध्यानी में लग गई। खैर शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन अपना सदका जरूर दे देना, अम्मी कहती हैं कि सदका देते रहना चाहिए। हाँ वो तो मेरे भाई ने सुबह ही दे दिया था। पता है समर, मैं सोच रही थी कि लोग सही कहते हैं, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। यकीनन ये बात तुम्हें समायर भाभी ने कही होगी। अरे नहीं यार, ये मैं खुद सोच रही थी। अब तुम देखो ना, इस छोटे से हादसे की वजह से उमर भाई की नाराजगी मुझसे दूर हो गई। व्हाट? उमर भाई तुमसे नाराज थे? इम्पॉसिबल, मैं ऐसे मान ही नहीं सकती। हाँ वो नाराज थे, तुम्हें नहीं पता? अच्छा मैं बताती हूँ। खाला आपकी अम्मी क्वेटा से कब आ रही हैं? इंशाल्लाह अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। चले अच्छा हुआ आपने उन्हें यही बुला लिया, वहां के लिए उनके लिए मैनेज करना मुश्किल होता होगा ना। मैं तो काफी अरसे से सोच रही थी कि वो यहाँ आ जाएं, लेकिन अम्मा मानती ही नहीं थी। अब समर की शादी का सुन के ना फौरन आ रही है। इसे खाला समर की मम्मी का भी आपने पहले कोई जिक्र नहीं किया, चुपके चुपके सब कुछ तय कर दिया। मेरी राजदारी तो घरों में बढ़ती जाती। अरे कैसी राजदारी, तुम्हें तो पता है मैं कोयटा गई हुई थी और समर के अबू ने पहले से ही लड़का देखा हुआ था, अपने दोस्त को जुबान भी दे दी थी। अभी तो लड़के वाले आएंगे, समर को देखेंगे, फिर शादी के मामला तय होंगे। बस खाला मेरी तो दुआ है समर जहां भी रहे खुश रहे। आमीन। बस खाला आपसे एक छोटी सी बात कहनी थी।
आप समय को समझा दीजिएगा कि वो शिफा के सामने बार बार अपनी मम्मी का जिक्र ना करे। आई मीन शिफा उसके लिए खुश तो बहुत होगी, कि थोड़ी सी नादान है और दोनों हम उम्र हैं। कहीं शिफा को ये ना लगे कि समर की मम्मी हो गई और उसकी नहीं हुई। सहन बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बस इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। शिफा, किस कदर अहमक हो तुम? तुमने समर भाभी की सारी बातों पर यकीन कर लिया? पागल लड़की, तुम्हें उमेर भाई को ये सब कुछ बताना चाहिए था। भाई को बता दे रही ताकि वो भाभी को डांटते। डांटते? डांट तो बहुत छोटा लफ्ज है। समार भाभी की तो ठीक ठाक क्लास होनी चाहिए थी। अच्छा ना, क्यों तुम नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाने बैठ गई हो? भाई समार भाभी ने तो मेरी खुशी के लिए झूठ बोला ना, ताकि मैं तुम लोग के साथ जा सकूं। उमेर भाई की नाराजगी दूर हो गई है, बस यही काफी है मेरे लिए। और वैसे भी अब जब सब कुछ मेरे हक में सही जा रहा है तो मुझे क्या जरूरत है फजूल की बदगुमानी पालती फिरूं? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें भाभी के हाथ के रोल खिलाती हूँ। इतने मजे के रोल तुमने जिंदगी में कहीं नहीं खाए होंगे। पता नहीं शिफा तुम्हें कब अकल आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी आने वाली है। तुम भी ना। क्या हुआ, किन सोचों में गुम है? अम्मा क्या हुआ है? अब्बा ने कुछ कहा है, डांटा है आपको? जे समाहिर बहुत याद आ रही है, कल रात उसे ख्वाब में देखा था। जब से दिल तड़प रहा है उसे देखने को, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। क्या मतलब किस हाल में होगी? अच्छे हाल में होगी इंशाल्लाह, बहुत खुश होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा फैसला किया उसने। अगर वो अब्बा की बात मान लेती तो हमारी तरह अब्बा का जुल्म से तम बर्दाश्त कर रही होती। हाँ, अच्छा फैसला किया, थोड़ा इंतजार कर लेती। रजी इनकार कर देता ये कहकर कि उसे बहन समझता है, मगर समाहिर ने तो तुम्हारे अब्बा को भी पीछे छोड़ दिया जिद में। खुदा को माने अब्बा, अब्बा ने आज तक किसी की बात सुनी है? उन्होंने डरा धमका कर रजी को मना लेना था, फिर ना समाहिर ने खुश रहना था और ना ही रजी ने। मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, अब्बा की ये बात ठीक नहीं है कि जो उन्होंने ये मिलने मिलाने पे पाबंदी लगाई है। कौन सा किसी की जिंदगी रुक गई है तो मुंह मोड़ने का क्या फायदा? मेरा तो बहुत दिल चाहता है समाहिर से मिलने को। गोदों में खिलाया है उसे मैंने, पहले उसके मुंह में लिवाले देती थी फिर खुद खाती थी। इतना दिल चाहता है उससे मिलूं, उसकी बच्ची को देखूं, उसके कपड़े बनाऊं, मगर तुम्हारे अब्बा भी। अच्छा ना, चले शमीम आरा की तरह आंसू ना बहाएं। मैं आपको समाहिर से मिलवाने उसके घर ले जाऊंगा। खुश? तुम्हें मालूम है उसका घर? इसी जमीन पे रहती है ना वो। कौन सा उसका शौहर उसको चांद पे ले गया जो हम घर नहीं ढूंढ सकेंगे? बस आप जाके तैयार हो, हम यहाँ से चचा के घर जाएंगे और वहीं से समाहिर के घर का एड्रेस मालूम कर लेंगे। ठीक है? नहीं तकी, तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। बस अब मुझसे उनकी और बातें नहीं सुनी जाती। लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसी इतनी एनर्जी वेस्ट करवा दी मेरी। समाहिर, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और किन सोचों में हो? जब से आई हो इसी तरह मुंह लटकाए बैठी हो, क्या उमेर से कोई झगड़ा हुआ है? वो अम्मी, आप भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। मैंने बताया तो है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। उमेर से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हाल बता शिफा, तुम्हारे और शिफा के फिर झगड़े शुरू हो गए? झगड़ा नहीं होता अम्मी, लेकिन वैसे अब शिफा मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती। काश जादू की छड़ी होती मेरे पास, उसे फौरन ही गायब कर देती। क्या हो गया बेटा, तो पुरानी बातों को भूल भी जाओ। मैं मानती हूँ कि बचपने में वो तुम्हें तंग करती थी, लेकिन अब तो वो तुम्हारी कदर करती है ना। और आखिर तुम्हारी जिंदगी में किस चीज़ की कमी है जो तुम पुरानी बातों को जहन पे सवार किए बैठी हो? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को,
कल तकी आया था। तकी आया था? कैसा है वो? बाकी सब लोग कैसे हैं? लेकिन ताया अब्बा ने उसको आने की इजाजत कैसे दे दी? इजाजत कहाँ मिली है उसे? तुम तो अपने ताया अब्बा को जानती हो, बगैर बताए आया था। बताता तो इजाजत कहाँ से मिलती? आपने उससे पूछा नहीं कि इतने ऐसे बाद हमारी याद कैसे आ गई उसे? तुम्हारा एड्रेस लेने आया था, कह रहा था तुम्हारी ताई जान तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, तुमसे मिलवाना चाह रहे हैं। ये नहीं बताया कि कब लेके आ रहा है, मेरा तो इंतजार आज से ही शुरू हो गया। बेटा तुम भी अपनी जिद छोड़ दो ना, वो बड़े हैं, उन्होंने जो गुस्सा किया सो किया, तुम भी जिद लगा कर बैठ गई कि वहां नहीं जाऊंगी। अगर शादी के बाद फौरन चली जाती तो तुम्हारी शक्ल देख के उनकी नाराजगी दूर हो जा। कहने दे मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ताया अब्बू की जिद का तो आपको पता ही नहीं। अच्छा ठीक है ना, तब जो हुआ सो हुआ, अब किसी रोज वहां हुआ होगा? हरगिज नहीं। अच्छे बड़ों से अपनी जिदें मनवाते हैं, क्योंकि ताया अब्बा तो छोटों से जिद लगा कर बैठ गए। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों भाग भाग कर जाऊँ वहाँ? ये बात सच है कि वो मुझे बहुत याद आते हैं, मेरा मिलने का बहुत दिल करता है, लेकिन मैं खुद से वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। ठीक कहते हैं तुम्हारे पापा, तुम जिद में ना भाई साहब की बराबरी करती हो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, विश्वा पाकिस्तान आई हुई है, उसका फोन आया था, तुम्हारा फोन नंबर और एड्रेस मांग रही थी मुझसे। इतने काम की बात आपने इतनी लेट बताई मामा, कब से आई हुई है पाकिस्तान? भी कुछ ही रोज पहले आई है, अपने भाई के लिए लड़की वगैरह देखने के लिए। समाहिर मैं कह रही थी कि तुम विश्वा के भाई को जरा ध्यान से देख लेना, क्या पता शिफा की बात वहां ठहर जाए, अमेरिका में शादी हो जाएगी तो वो कौन सा रोज रोज पाकिस्तान आएगी। तुम्हें उससे प्रॉब्लम्स होती है ना, इस तरह से शायद कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे तुम्हारी। मामा पहले आप मुझे उससे मुलाकात तो करने दें, आप तो पता नहीं कितने दूर का प्लान बना रहे हैं। क्या ये? बोलो क्या ये? So what अगर इसे अपना पोर्टफोलियो बना लिया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हीरो को प्रोजेक्ट से पहले प्रमोशन मिल रही है। बात प्रमोशन की नहीं है, डिसऑनेस्टी की है। जब मेरे और इसके दरमियान में तय हुआ था कि मेरी परमिशन के बगैर ये कोई प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो फिर इसने हामी कैसे भरी? हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास भी है। वाओ, मेरा ख्याल था कि एग्रीमेंट में क्लॉज ऐड करवाने की जरूरत नहीं है। मैं समझा था कि शायद तुम्हारे अंदर इतने तो प्रोफेशनल एथिक्स होंगे, लेकिन तुम्हें तो एथिक्स के स्पेलिंग तक नहीं आते। जासिम, यू बीइंग वेरी रूड। तुमने ना सिर्फ महक की पब्लिसिटी कैंपेन में हिस्सा लिया बल्कि सलमान सफदर का प्रोजेक्ट भी साइन किया, और इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। होल्ड ऑन, किस तरह से बात कर रहे हो तुम इससे? एक प्रोजेक्ट देने का ये मतलब नहीं है कि तुमने इसे खरीद लिए। एंड बाय द वे, फेयर तुम भी नहीं थे, क्योंकि तुमने इसका कैरेक्टर उठा के उस जुहेब को दे दिया। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तकी ने ऑफिशियली हायर किया है या सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर इसे डिफेंड करने आई हो? जासिम, तुम दोनों के बीच में जो वन टू वन चल रहा है ना, कोई ढकी छुपी खबर नहीं है। मैं जो बात करनी है मुझसे करो, मैं के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। दो टके के इंसान मुझे सिखाओगे कि बात किस तरह की जाती है? जासिम प्लीज, मैं इसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा रहा हूँ और ये मुझे आंखें दिखा रहा है। डोंट डू दिस तकी, प्लीज। सर इसकी जुबान बंद करवाने तो मुझे। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे तुम? तकी प्लीज चलो यहाँ से, तकी प्लीज चलो। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मेरे बगैर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनाते हो। तुम्हारा करियर अगर शुरू होने से पहले खत्म नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी जासिम नहीं। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई कि इस तरह से मूड ऑफ करके बैठो। वैसे तुम्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो फजूल बकवास करता रहता और मैं चुप रहता। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जासिम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट से निकालने के लिए उसे कोई ठोस जवाब मिल सके? अरे यार निकालता है तो निकाल दे,
से ज्यादा कर भी कह सकता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सीन्स निकाल देगा और बाकी लोगों को बाउंड कर देगा कि तुम्हें कास्ट ना करें। क्यों, बाप है वो इस इंडस्ट्री का, हाँ? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे टैलेंट की कदर होगी। मुझे तो सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि कहीं वो हमारी फ्रेंडशिप को एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट? हमने ऐसा क्या किया जिसकी बेस पर एक्सप्लॉइट करेगा? ताकि तुम जासिम को नहीं जानते, वो रियल लाइफ ड्रामास बनाने में टीवी ड्रामा बनाने से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। कैसे समझाऊं तुम्हें? शिफा, चाय तैयार है? फिश्मा का भाई अभी उसे लेने ही आ रहा होगा। बस तैयार है भाभी, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? अभी आपकी दोस्त को आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है यार, उसे शॉपिंग पे जाना है। अच्छा सुनो, मेरी कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आप जाएं, मैं चाय लेके आ रही हूँ। लगता है आ गया है, तुम चाय लेकर आओ, मैं देखती हूँ। रोहिल, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाने नहीं क्या? नहीं, पहचान तो मैं गया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो। तुम बिल्कुल भी नहीं पतले, वैसे के वैसे। आओ अंदर आओ। आओ विश्मा, आ गया तुम्हारा भाई। वैसे रोहेल, बहुत अनफेयर है, अभी तो हमने ढंग से कोई बात भी नहीं की और तुम उसे लेने आ गए। तो अच्छा हुआ मैं आ गया, अब मैं नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत हो गई का क्या मतलब, पहले भी बहुत खूबसूरत थी। समय तुम्हें याद है, रोहेल जब छोटा सा होता था तब यही कहता था कि बड़ा होके तुमसे शादी करूंगा। अच्छी तरह याद है मुझे, किस तरह एम्बैरेस किया करता था ये। और तुम हमेशा इंसिस्ट किया करती थी कि ये तुम्हें अपिया कह के बुलाए, लेकिन मजाल हो कि इस लड़के ने एक दफा भी मुझे आपी कहा। दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अपिया बोलूंगा। तुमसे 3 साल बड़ी हूँ मैं। अरे उम्र से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, दिखने में तुमसे 4-5 साल छोटी लगती हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही कुछ सुधरा है या अभी तक उसी तरह दिल पैंक है? उफ तौबा करो, अभी भी यूएस में ना काफी लड़कियों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। अरे आपके भाई की पर्सनैलिटी को इतनी जबरदस्त है कि खुद ना खुद फिसल जाती है, सो मैं क्या कर सकता हूँ। चाय भी आ गई, आओ शिफा। विश्मा, ये है उमेर की छोटी बहन शिफा, और शिफा ये मेरी दोस्त है विश्मा, और ये उसका छोटा भाई रुबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे शिफा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। जी? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम कहाँ जा रही हो, बैठो ना, हमारे साथ चाय पियो। वो एक्चुअली टेस्ट की तैयारी करनी है ना, इसलिए आप लोग प्लीज चाय पीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसे शिफा, उमेर की छोटी बहन, नंद, राइट? बिल्कुल, एक ही है। रोहिल क्या हो गया है? वैसे मेरी मानो ना तो उसकी शादी करवा दो, तुम्हारी भी फिक्र कम हो जाएगी। मैं तो कब से इसके हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हूँ कि तुम शादी कर लो, लेकिन ये मानता ही नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें तो बचपन से इतना शौक था शादी करने का, ये लो। तुम्हारी जैसी कभी कोई मिली नहीं, मैं कब की कर लेता था। वैसे मेरी जैसी मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ सकते हैं। तुम्हारी जैसी अगर मिल जाए ना, कमाल हो जाएगा। रोहिल क्या बदतमीजी है। इससे बदतमीजी क्या बात है यार, आपकी दोस्त इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल फिसल सकता है इस पे। वैसे मुझ पे आशिक होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई मुझे तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, तुम ना सही तो तुम्हारे हस्बैंड की छोटी बहन से,
प्यारी है बहुत, नंबर मिल सकता है? विल बिहेव योरसेल्फ। चाय पियो, ठंडी हो रही है। रोहेल और शिफा। हाँ बिल्कुल, दोनों को साथ देखा तो मुझे ख्याल आया, हम इनके इधर उधर रिश्ते ढूंढते रहते हैं, अगर इन दोनों का आपस में रिश्ता कर दें तो कितना अच्छा, चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हैं, लेकिन लेकिन क्या? देखो दोस्त समझ के तुमसे मैंने क्लियर कट बात की, बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझसे साफ साफ बात करो। शिफा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहेल उससे शादी करेगी। क्यों भाई, क्या कमी है हमारी शिफा में? नहीं नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, दरअसल रोहेल को थोड़ी डिफरेंट लड़कियां पसंद है, उसे ये शर्माती हुई झिझकती हुई लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। वो हमेशा बोल्ड लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, ओहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुमने खुद ही कहा था मैं तुमसे साफ साफ बात करूं, शिफा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन रोहेल मेरा भाई है, मैं उसे जानती हूँ, उसे शिफा कभी पसंद नहीं आएगी, इसलिए प्लीज तुम अपने जहन से ना ये बात निकाल दो। लेकिन तुम मुझसे एक बार बात तो करके देखो। समायर, शमा, प्लीज मेरी खातिर। अच्छा चलो ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, पर प्लीज तुम कोई उम्मीद ना रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ऐसे बात तुम्हें देख रही हूँ, वैसे काफी हैंडसम नहीं हो गए तुम? हेलो, ये हैंडसम हो गए हो से क्या मुराद है आपकी? फिर तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। हाँ अलबत्ता तुम। मैं क्या? तुम्हें देख के बहुत मायूसी हुई इसमें, आम सी शक्ल की लड़की तो तुम पहले भी थी, मगर अब थोड़ी अजीब सी नहीं हो गई? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। हाँ बताइए मेरे भाई, क्या इतना सच बोलने की हिम्मत सारी जिंदगी आप में थी? मैं इसीलिए तो खुश हो रहा हूँ कि कोई तो है जो मेरे दिल की बात कह सकता है। लो कर लो बात। देखा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी इस्माइल बेगम है, इन्होंने आप पे इतना रोब जमा रखा है कि आप अपने दिल की बात भी नहीं कह सकते। वेरी बैड। हाँ कुछ ऐसा ही मामला। अरे मेहर भाई, अब आ भरने का क्या फायदा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी तो आपने खुद ही मारी है ना। चुप कर जाओ तुम। देखा अभी भी मार रही है मुझे। लेकिन भाई एक बात तो आप दोनों ने प्रूफ कर दी, ये जो मोहब्बत की शादी होती है ना, लव मैरिज, इसमें आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, बस सारी उम्र अपनी इस गलती को मेडल बना के गले में सजाना पड़ता है। लेकिन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मामूली सी बहन को पसंद किया, इनसे शादी की और उनको यहाँ ले आया, वरना हमें तो बहुत शर्मिंदगी होती थी इसको बाहर लेके जाते हुए अपने साथ। कहाँ हम ठहरे नौजवान हसीम हैंडसम भाई, कहाँ ये आम सी शक्ल की लड़की। मेरी बात सुनो, तुमको ज्यादा ही बोले नहीं लग गए? मेरे भाई मेरी बातों को ना सीरियस ना लीजिएगा, अम्मी यही कहती कि मुझे तो बकबक करने की आदत है, लेकिन ये जो समायर है ना, हम सब इसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं इसे। लेकिन अम्मा को और मुझे आपसे बहुत शिकवा है कि आपने हमारी इतनी प्यारी बहन को हमसे इतना दूर कर दिया। अरे तकी मुझसे क्यों नाराज है, मैंने कहाँ दूर किया, शादी हुई जो हालात है तुम्हारे सामने से तकी। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ भाई इस्माइल, अम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तुम उनको साथ ले आते ना। अरे तुम जानती तो हो उन्हें, सट जाएंगी, कुट जाएंगी, रो देंगी, लेकिन हमारे अब्बा हजूर के फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम खुद ही आ गए हैं तो फिर एक दिन उन्हें भी ले आएंगे, क्यों मेरे भाई? मेरी बात सुनो, मुझे दोबारा से मत भूल जाना, आते जाते रहना, समझे? मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, बल्कि मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें नहीं भूल सकता। और हाँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वो छोड़ी को जगा के रखना, मैं जरा उससे खेलते रहूँ। लेकिन या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भाई, बच्ची को देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई कि वो बिल्कुल अपने मामू पे गई है, ब्यूटीफुल, इस पे नहीं चली गई। माय ब्यूटीफुल भांजी उठ गई है, मैं जाकर उसको देख। चलो तुम उसे देखो और बस अब मैं भी चलता हूँ। चलो दोबारा आना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना अपना। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ताकि तुम्हारे बारे में समाज से बहुत कुछ सुना था, आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। यकीन जानिए मैं भाई, आपसे भी मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सॉरी अभी आपको घर आने की दावत नहीं दे सकता। सो क्या है मिस्टर, मैं अक्सर समाज को समझाता हूँ कि अपनी इज्जत छोड़ के तायबों से मिल जाए, लेकिन मेरी वाहिद बात है जो वो नहीं समझते, तुम समझाओ शायद समझ जाए। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने, क्योंकि हमारी अम्मा कहती हैं कि समायर अब्बा से भी दो हाथ जिद में आगे है। बर्फ पिघलने में वक्त लगता है, लेकिन वो पिघलती जरूर है, मुझे उम्मीद है तायबा समायर के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लीजिए
मुझे इजाजत है, आपसे जल्द मुलाकात होगी। आओ चलें। सुखी को बहुत प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया। तुम्हें मैं शक्ल से सेल्स कर लगती हूँ? नहीं, वैसे शक्ल से तो तुम मुझे कोई बच्चे अगवा करने वाली लगती हो। तुम? नहीं, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा जमाना करता है। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। एक्सक्यूज मी, मेरा घर? आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरी बहन का घर है। फिर तो आपको मुझसे भी बड़ी गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि ये मेरे भाई का घर है। इसका मतलब है कि तुम उमेर भाई की बहन हो? जी। अच्छा, मैं भी को तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। गुड, मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गई। नहीं, इसमें तुम्हारी यादाश्त का कोई कमाल नहीं है, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, जो भी बस एक बार देखता है बस देखता रह जाता है, कभी नहीं भूलता। तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बदतमीज लड़का समायर भाभी का भाई हो सकता है। हेलो, क्यों यकीन नहीं आ रहा? अगर तुम जैसी नक्सली लड़की उमेर भाई की बहन हो सकती है, तो मैं समायर का भाई क्यों नहीं हो सकता? बड़ी आई।